What's up gamer? पिछले वीडियो में हमने बेलेनोर लिबेरा को चैलेंज करके उसको धूल चढ़ा दी थी। फिर हमने इस गेम का सीक्रेट ओपी वेपन यानी कि कैंपफायर का यूज करके उसको जला चला कर भी मारा था। और बेलेनोर लिबेरा को दो बार मारने की वजह से मुझे दो ह्यूज डार्क एग मिले थे, जिससे मैंने दो बेलेनोर लिबेरा को टेम किया था। सो भाई पिछला एपिसोड बहुत ही ज्यादा धमाकेदार था, अगर तुमने नहीं देखा है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा पहले जाकर वो देखो। और आज के एपिसोड में मैं एक तगड़ा बेस तैयार करने वाला हूँ जिसमें मैं बेलेनोर को समन करूंगा और उस पे यहाँ पे पूरी वॉर होने वाली है। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और भाई पिछली वीडियो में मैंने तुम लोगों को 9K सब्सक्राइबर्स एंड 1K लाइक्स का गोल दिया था, जो कि तुम लोगों ने कंप्लीट करवा दिया, तो बहुत ही प्यारा थैंक यू तुम सबको। और भाई आज के वीडियो के गोल्स की बात करें तो मैं तुम्हें कोई गोल नहीं दे रहा, बस मैं तुम्हें इतना कह रहा हूँ कि हम लोग 10K सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो भाई प्लीज कंप्लीट करवा दियो यार, सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना। एनीवेज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके सो भाई आज हम करने वाले हैं बेलेनोर से दोबारा फाइट, और थंबनेल देख के तुम्हें थोड़ा सा तो आइडिया आ गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, राइट। अब भाई पहले तो मुझे बेलेनोर फ्लेगमेंट ढूंढने पड़ेंगे जो मैंने कलेक्ट किए थे, बट मैंने कहाँ पर रखे मेरे को याद ही नहीं है भाई। हेलो किधर भाई, मैंने सही में बहुत गंदी जगह रख दी है, लिटरली मेरे को याद ही नहीं आ रहा। ठीक है मेरे पास तो नहीं है, ये रहे भाई। ठीक है तो भाई मेरा प्लान सिंपल सा है, लेवल 50 पे यहाँ पे खुलता है एक माउंटेड मिसाइल लॉन्चर जिसको मैंने बनाया ही नहीं भाई अभी तक। उसका रीजन ऑब्वियस है, क्योंकि मेरे को भाई इसको बनाने का कोई रीजन पता नहीं था। सो भाई इसकी मदद से हम ट्राई करने वाले हैं बेलेनोर को डिफीट करें। यहाँ पर लिखा हुआ है असाइन अ पाल विद हैंडीवर्क सूटेबिलिटी एंड इट विल प्रोटेक्ट अ बेस यूजिंग द मिसाइल लॉन्चर। और ऑब्वियस सी बात है भाई, बेस्ट पाल जो हैंडीवर्क सूटेबिलिटी के साथ आता है वो अनुबिस ही होंगे। इसको सॉर्ट कर देते हैं भाई पाल टेक नंबर, ताकि सारे अनुबिस एक साथ आ जाए। ठीक है यहाँ पे जितने अनुबिस है मैं उनको सबको यूज करने वाला हूँ। बेस पे 20 स्पेल्स की मेरे पास स्पेस है, और यहाँ पे मेरे पास फ्री अनुबिस कितने हैं तो मैं दिखाता हूँ। 15 मेरे पास 15 है, तो मेरे को 5 अनुबिस और चाहिए। आई मीन देखो मैं ये वाला भी यूज कर सकता हूँ, बट मैं इनको यूज नहीं करना चाहता हूँ भाई। जब तक हम जाते हैं मैं काम करता हूँ। यहाँ पे हमारी बेलेनोर के लिए रख देते हैं स्लैब बनने को। ठीक है पहले नॉर्मल वाली बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भाई देखना है कि नॉर्मल वाली से कितना फर्क पड़ता है भाई इसको। ओके थैंक यू वेरी मच मेरे पैल्स, मेरे प्यार प्यार पैल्स। भाई डूमड वूमट ने कितना काम किया है देखते हैं, क्योंकि भाई मैं इनको देखता ही नहीं इन लोगों ने कितना सब कुछ इकट्ठा किया है। ओ भाई भाई इनका काम अच्छा चल रहा है बे, ये बहुत मस्त स्पीड में कर रहा है। अब सोचो यहाँ पे इन सबको इंक्रीज कर दूं ना भाई, तो बहुत ही मस्त काम होगा। अरे रात हो गई भाई, एक तो मैं मेरे दिन भाई मेरे वीडियो की शुरुआत रात से ही क्यों होती है मेरे को पता नहीं यार। ओके भाई तो सबसे पहली चीज और ऑब्वियस सी चीज जो मेरे को चाहिए, देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं हम यहाँ पे। 20 अनुबिस इसका मतलब 20 माउंटेड मिसाइल लॉन्चर चाहिए, और 20 माउंटेड मिसाइल लॉन्चर के लिए मेरे को 2000 रिफाइंड इंगट्स चाहिए, 400 सर्किट बोर्ड चाहिए, 400 नेल्स चाहिए और 2000 सीमेंट चाहिए। ओह माय गॉड भाई, रिफाइंड इंगट्स एकदम लास्ट में बनेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा देर लगेगी। पहले मैं सीमेंट बना लेता हूँ, बोन्स नहीं है मेरे पास इसके लिए। ठीक है पहले बोन्स इकट्ठे करने पड़ेंगे मेरे को। बोन्स तो भाई मैं खरीद सकता हूँ ना स्मॉल सेटलमेंट पे, यहाँ पे फास्ट ट्रेवल कर लेते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ आके हम अपनी भाई खतरनाक वाली टेक्निक यूज करके इस तरह से अंदर आ जाएंगे। हेलो मर्चेंट हाउ आर यू, सॉरी मैं तुम्हारा बिल्कुल कान में घुसकर बोल रहा हूँ। ओके भाई तेरे पास से चाहिए मेरे को बोन्स। ठीक है भाई कितने बोन्स चाहिए होगे? एक तो मैं ना चीजें देखता नहीं भाई, सीधा लेने आ जाता हूँ। ठीक है सीमेंट ओके ये रही। मेरे को भाई 2000 सीमेंट चाहिए, 200 बोन्स चाहिए होगे, क्योंकि एक बोन से बनती है 10 सीमेंट। वाओ भाई मेरा वेट, मेरे पास है कोई चीज जो बेकार सी हो जिसको मैं ड्रॉप कर सकूं? बिल्कुल नहीं है, मेरे को ऐसे धीरे धीरे ही जाना पड़ेगा भाई। भाई देखा है कभी न्यूम को इतना धीरे धीरे चलते हुए? भाई मेरे को केटीवा साथ में रखने चाहिए क्योंकि उनसे वेट बढ़ता है भाई प्लेयर का। ओके धीरे 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 करके ये रहा भाई, लेकिन यहाँ पे जगह ही नहीं है। अरे भाई साहब भाई यहाँ पे भी जगह नहीं है। ठीक है इसमें रखना पड़ेगा। ओ माय गॉड भाई मेरे को इन चीजों के लिए तो जगह सबसे पहले रखनी चाहिए भाई। ओके थैंक यू भाई, लिटरली रुला दिया कतई। ओके 2000 सीमेंट चाहिए मेरे को,
कितनी बन रही है भाई बस क्या क्या कमी रह गई इसको, क्या कमी रह गई, या फिर एक साथ इतनी बन सकती है भाई, 10 सीमेंट रह गई है सिर्फ भाई। इसको तो बनने में बहुत ही ज्यादा देर लगने वाली है, हम जाके तब तक दूसरे काम स्टार्ट कर देते हैं। ओके यहाँ पे चलो सीमेंट का तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे को बनाना है सर्किट बोर्ड, 400 सर्किट बोर्ड बनाना है, लेकिन जब तक ये नहीं बनेगा मेरे को कैसा पता चलेगा कि सर्किट बोर्ड के लिए क्या चाहिए। ठीक है, अरे यहाँ से भी तो देख सकता हूँ ना मैं टेक्नोलॉजी में से, भाई अभी भूल गया थोड़ी देर में ही। ओके ये रहा, इसके लिए मुझे प्योर क्वार्ट्ज भाई 400 चाहिए, 1600 मेरे को 1600 क्वार्ट्ज चाहिए होगा भाई, और पॉलीमर चाहिए बहुत सारा। ठीक है भाई, क्वार्ट्ज इकट्ठा करना पड़ेगा, वो भी 1600 भाई, 1600 क्वार्ट्ज मैं कब इकट्ठा कर लूंगा भाई। ठीक है, यहाँ पे एक चेस्ट नजदीक में रखते हैं जिसमें क्वार्ट्ज होना चाहिए। ओके यहाँ पे रख दो क्वार्ट्ज को। अब यहाँ से पहले तो क्वार्ट्ज के 5 टेलीपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, A few moments later. ओके हम पहुंच चुके हैं भाई, क्वार्ट्ज बहुत कमी होने वाली है, मैं अभी से बोल दे रहा हूँ भाई, क्वार्ट्ज की बहुत ज्यादा कमी होगी। ओके पुराना बेस जो है वो डिसमेंटल कर देते हैं और यहाँ पे बना लेते हैं अपना नया बेस। ओके बन गया बेलनोर, जरा बना दीजिए इसको। ओए ये कैसे बना, रुक जाओ ये देखो ये कैसे बना रही है देखो। ये क्या, हेलो मिस्टर मेमोरेस्ट, मर जा भाई तू। ओ मेरी बेलनोर का लेवल भाई 20 हो गया सीधा भाई। पहले तो तुम सभी को थैंक यू, क्योंकि तुम लोगों ने भाई इतने सारे मस्त बढ़िया बढ़िया नेम्स दिए हैं हमारी बेलनोर के लिए, मतलब मैं पढ़ के भाई इतना ज्यादा खुश हुआ हूँ भाई, कतई क्या ओपी नेम्स दिए हैं भाई तुम लोगों ने। बट ऑब्वियसली भाई हर बार की तरह सॉरी, क्योंकि तुम में से सबका नेम भाई आया ऐसा जरूरी नहीं है। अब भाई देखो तुम में से मैक्सिमम लोग इसके लिए बेला नेम सजेस्ट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली बात है हम इसको भाई नाम देने वाले हैं बेला। Hey, हमारी छोटी छोटी सी बेला। भाई पहले तो इन दोनों ओर्स को तोड़ दूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये अनुबिस इनको तोड़ने में लग जाएंगे। ठीक है, ओके यहाँ पे ओर्स पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और यहाँ पे अब मेरा सिंपल सा टास्क है अनुबिस ड्रॉप करना है मुझे सारे के सारे। ओके जब तक ये लोग ये तोड़ रहे हैं मैं यहाँ पे चेस्ट बनाने का काम कर लेता हूँ। भाई तेरे को क्या दिक्कत है, चलो कोई नहीं भाई जो भी कर रहा है ये लोग। मैं जाता हूँ बेस पे चेस्ट का सामान उठाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे चेस्ट तो बनानी पड़ेगी ना भाई। चेस्ट के लिए क्या चाहिए, 5 स्टोन 15 वुड। ओके भाई मेरे स्टोन वुड कहाँ पर पड़े होते तो ये भी पता नहीं होता मेरे को। ओके 15 वुड तो मिल जाएंगे यहाँ से, ये मिल गया 15 वुड। स्टोन्स ओ माई गॉड स्टोन्स लेंगे भाई साहब, क्या क्या स्टोन्स पड़े हैं यहाँ पे। क्यों भाई कितनी बनी, ओ भाई ऑलमोस्ट बनी चुकी है ऑलमोस्ट भाई, क्या बात है तगड़ी स्पीड है भाई इन लोगों की भी। ओके डन, और यहाँ पे मैं 2 वुम्पो बोटन्स को रख देता हूँ, बिकॉज क्योंकि उनके पास लेवल 4 की ट्रांसपोर्टिंग होती है, तो भाई अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट करेंगे ये लोग भाई। 1600 क्वार्ट्स कब मेरे इकट्ठे होंगे मेरे को लिटरल नहीं पता भाई, भाई कितने इकट्ठे हुए देखते हैं, बहुत ही कम है भाई अभी तो। बट इन लोगों ने ट्रांसपोर्टिंग करना स्टार्ट किया है ना अभी, ठीक है बढ़ रहे धीरे धीरे भाई, देर लगेगी सच में। ओके भाई मैंने इन लोगों के लिए यहाँ पे अब हॉट स्प्रिंग्स भी लगा दी है, और उसी के साथ यहाँ पे इनके लिए फूड भी रख दिया, वो भी सैलेड रखे, क्योंकि सैलेड जो होता है ना वो स्लाइटली इम्प्रूव वर्क स्पीड, ठीक है सैलेड से इनकी वर्क स्पीड इंक्रीज होगी, तो भाई ये फटाफट काम करेंगे ऑब्वियसली। और अभी भाई इन लोगों ने 400 जितनी इकट्ठी करी है, मतलब तुम कह सकते हो 1/4 इकट्ठी कर ली है भाई। अभी भी मेरे को यहाँ पे कितनी इकट्ठी करनी है पता है, 1200 इकट्ठी करनी है भाई, बहुत ज्यादा देर लगने वाली है। इनके लिए बेड्स भी तो बनाने पड़ेंगे ना यहाँ पे, चलो भाई तुम लोगों के लिए यहाँ पे पूरा बेस मैंने सेट कर दिया है, ठीक है खाना वाना सब कुछ रेडी है, अब भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को भाई, अपना काम ठीक से करना ठीक है। ओके हम चलते हैं अब अनुबिस के पास, सो मेरे को चाहिए अभी भी 5 अनुबिस। ठीक है भाई 5 अनुबिस मिलना कोई आसान बात तो नहीं है ऑब्वियसली, बट ये भाई कोई मुश्किल बात भी नहीं है। अभी एक रॉकेट लॉन्चर मुंह पे मारूंगा कतई उसके भाई, अनुबिस अगर वाइल्ड लाइफ में मिलते ना तो मजा आता। अरे भाई तो भाई एक चीज तो मैं बनाना ही भूल गया भाई, अब मैं ये बना सकता हूँ ना, कहाँ पर है ये देखो, हाँ एबिलिटी ग्लासेस, इसके लिए सब कुछ है भाई मेरे पास, इसको अनलॉक कर देते हैं ठीक है, घर पे जाके बनाएंगे, अभी तो फिलहाल इसको पकड़ रहते हैं। अरे बेटा रुक जा। ओके 1300 का डैमेज, बहुत ही बढ़िया भाई, क्योंकि हेड पे मारा है ना मैंने, हेड पे मारने की ट्राई करते हैं भाई, हेड पे ही तो मारा था भाई फिर भी ये। ओके 1500 ठीक है आ जाएगा भाई, अब तो शायद आ जाएगा। रिलोड, रिंग ऑफ मर्सी पहनी है ना, ओके पहनी है मैंने भाई। ओके भाई अब तो 1 HP पर है और लेजेंडरी स्फीयर है, आ जाना चाहिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट ऑब्वियसली भाई ऐसी किस्मत कहाँ है हमारी भाई, ये क्यों मार रहे साले टोके। रुक जा बेटा, एक मारूंगा ना तुम सबकी यहाँ पे
खत्म हो जाने वाली है लिटरली सब कुछ। ठीक है चलो बेलेनोर दिखाइए इसको कि कौन है असली बॉस, कौन है असली प्रो, कौन है। बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये जंप मार के ये बाहुबली लॉल भाई। भाई ये मल्टी क्लाइमेंट अंडरशर्ट सच में इतनी मस्त चीज है भाई, मतलब पूरा का पूरा काम आसान कर दिया भाई इसने। गुड मॉर्निंग गाइस, चलो चलो काम पे लोगो सब के सब। भाई यहाँ पे वो बन चुका है ना, उसको हम जरा सा ले लेते हैं अपनी इन्वेंटरी में। ओ भाई इसको ट्रांसफर करने में देर लगेगी। चलो चलो यहाँ पे इसको कर देते हैं डन। भाई सीमेंट बहुत ही ज्यादा बन गया भाई ठीक है चलो सीमेंट तो बन गया ना यहाँ पे। अब मेरे को बनाना है वो ग्लासेस बनाना है। ठीक है वो ग्लासेस कहाँ से बनते हैं। इसके लिए एंशियंट सिविलाइजेशन कोर की कमी है भाई, एक कोर चाहिए सिर्फ इसको बनाने के लिए। चलो वो तो कोई नहीं, हम अभी उसको मारेंगे ना तब बेलेनोर को, तब जाके बन जाएगा। ठीक है तो इसको फिलहाल नहीं बनाते हैं। ओके अब एक और चीज जिसको बनाने को मैं रख सकता हूँ अभी, वो है रिफाइंड इंगट्स, जो कि मेरे को भाई 2000 चाहिए। ओ माय गॉड भाई, हेलो मेरे प्यारे प्यारे पैल्स, हम आ चुके हैं यहाँ पे रिफाइंड इंगट्स बनाने आ चुके हैं हम लोग। 23,000 ओर्स पड़ी है मेरे पास, 23,000 ओर्स, बट कोल नहीं है मेरे पास। अरे मैंने कोल उस बेस में रखा है थोड़ा, मेरे को याद है मैंने कोल रखा था, एक्चुअली बहुत सारा था भाई, 300-400 जितना कुछ था। इस वाले चेस्ट में रखा था, नहीं यहाँ पे, शायद इन दोनों में रखा था, ये नॉर्मल वाली चेस्ट में नहीं, यहाँ पे भी नहीं है भाई। कहाँ पे रखा था, इसमें रखा था क्या? अरे भाई मैंने यूज़ कर लिया था क्या? अरे हाँ ये रहा। ओ भाई अच्छा 500 जितना है, मेरे को लगा 300-400 ही होगा भाई। ओके भाई यहाँ पे ट्रांसफरिंग प्रोसेस हो चुका है, तो जितने बनते हैं ठीक है, मैक्स कितने बन रहे होगे? ओके तो भाई फाइनली तुम यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लिटरली सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। मेरे पास सीमेंट है बहुत ज्यादा, जितना चाहिए उससे भी ज्यादा। मेरे पास प्योर क्वार्ट्ज भी है जितना चाहिए उससे ज्यादा। मेरे पास रिफाइनिंग भी है और एग्जैक्ट नेल्स है। ठीक है इनको ट्रांसफर करते हैं अपने नए बेस पे जो हमने थोड़ी देर पहले लगाया। ओके भाई मेरे लिटरली तीनों बेस एक ही आईलैंड पर है। ओके ओ वेंडरिंग मर्चेंट सर जी, कैसे हो भाई? ये भाई कर दिया ट्रांसफर। ओके लास्ट चीज कौन सी? हाँ ये रही। हेलो सर जी, क्या आप क्या बेच रहे हैं, मेरे को जरा दिखाएंगे भाई? अरे ये तो वही वाला है भाई, ये तो है मेरे पास, तेरे को तो मैं मार दूं भाई। तो भाई मेरे को एक और चीज लानी है जो कि इंगट्स, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा एक मेटल स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ। तो भाई एक काम करते हैं, लेके आते हैं, मैंने बनने को रखे थे भाई बहुत सारे, 1000 जितने कुछ रखे थे। ओके कहाँ पर है भाई? हेलो, अरे इसमें ट्रांसपोर्ट कर दियोगे ना इन लोगों ने? हाँ ये रहे भाई, ठीक है 1122। ओके बहुत ही तगड़ा नंबर है लिटरली। ओके भाई कसम से भाई बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है इसमें। ओके यहाँ पे भाई चीजें बन के कम्प्लीट हो चुकी है, बस मुझे अब यहाँ पे भाई अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है। अरे मेटल फाउंडेशंस के लिए स्टोन्स भी चाहिए भाई, ये तो मेरे को नहीं पता था, अब मेरे को स्टोन्स भी लाने पड़ेंगे। वैसे तो स्टोन्स की कोई कमी नहीं है, बट भाई लाने में भी यहाँ पे हालत आती है ना। हेलो अनुबिसिस, मेरे को दे दीजिए झलाछा यहाँ पे स्टोन, भाई बहुत सारा है लिटरली स्टोन्स की तो भाई मेरे पास कुछ भी कमी नहीं है, इतना स्टोन्स पड़ा है मेरे पास भाई। सही में ये सारे रिसोर्सेस कलेक्ट करने में भाई इतनी ज्यादा वो मेहनत लग गई है भाई, मैं क्या ही बताऊं। चलो भाई फाइनली यहाँ पे अपना काम स्टार्ट करते हैं। ओके भाई आई गेस ये एकदम सही है, ठीक है ये एकदम सही है। अब मेरे को बस यहाँ पे ऐसे फाउंडेशंस लगानी है दो। हाँ बस भाई यही स्ट्रक्चर मेरे को फॉलो करना है। अब भाई देखो यहाँ पे मैंने पूरा स्ट्रक्चर एक साइड का कम्प्लीटली रेडी कर दिया है। ठीक है यहाँ पे देखो ये स्पेस है ना, यहाँ पे मैं माउंटेड मिसाइल लॉन्चर्स रखूंगा, और ये यहाँ पे सीढ़ी है ऊपर चढ़ने की। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ नहीं है फिलहाल, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ है नहीं। और देखो ये एरिया है ना, देखो ये एक तरफ कैसा है, ठीक है वैसा भाई मैं इस तरफ भी बनाऊंगा, यहाँ पे भी बनाऊंगा और इस साइड भी बनाऊंगा। मतलब शायद अब तुम्हें एक आइडिया आ चुका होगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your f***ing loud. It be raining now, I keep making sound, go another round. ओके सो भाई हमारा बेस यहाँ पे मेन जो बेस है वो रेडी हो चुका है, और अब यहाँ पे भाई मैं एक टेम्पररी रास्ता बनाने वाला हूँ, क्योंकि
कि भाई मेरे को अनुबिस को ऊपर चढ़ाना है और उसी के साथ यहाँ पे माउंटेड गन्स लगानी है। ओके, मैंने सारे के सारे अनुबिस को ड्रॉप कर दिया है, अब आई गेस ये लोग फटाफट बनाने चाहिए भाई चीजें। भाई फिर भी देर तो लग रही है इनको भाई, आसान नहीं है, देर लग रही है भाई इनको बनाने में। ओके भाई, तो मुझे यहाँ पे इनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए चलाने के लिए, तो इलेक्ट्रिक पोल लगाना पड़ेगा और वो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पर लगा दूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल के लिए क्या क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रिक ऑर्गन चाहिए बीस्ट, वो तो भाई अभी भी लेकर आता हूँ मैं थोड़ी देर में। ओके, ये रहे इलेक्ट्रिक ऑर्गन, मैंने ले लिए ना भाई। हाँ ओके, चलो भाई बना लो यहाँ पे ये। और जर्क को भाई उठा के रख ही देते हैं ताकि भाई वो उसको फुल कर दे। ओके, ये वाला और जर्क है जो उसकी वर्क स्पीड बहुत ही बढ़िया है, तो इसको ही रखते हैं। तेर को हिलना नहीं है भाई यहाँ से और जर्क बेटा। ठीक है, अब देखते हैं भाई ये लोग ऑनलाइन आ गए ना। भाई मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये इतने सारे हैं तो कहीं भाई इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत ना हो यार, यहाँ पे हंगरी है भाई इनके लिए, मेरे को वो भी बनाना पड़ेगा एक फीड बॉक्स। अरे यार इसके लिए वुड लेके आना पड़ेगा। ओके भाई, फाइनली जाके मैंने पूरा बिल्ड कंप्लीट कर दिया है भाई, कसम से भाई बहुत ज्यादा देर लग गई। पहले तो भाई यहाँ पे इसको रख देते हैं। ओके ठीक है, मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली, अभी पहले तुमको भाई दिखा देता हूँ बेस पूरा। ये देखो भाई, यहाँ पे टोटल 19 अनुबिस है विथ मिसाइल लॉन्चर्स। नीचे हमारा एक ओर्जर का जो इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठी कर रहा है। और देखो ऐसे ऐसे चेस्ट रखे है मैंने, ये वाला नहीं, हाँ, जिसमें इस तरह से रॉकेट एमो है। ठीक है, 100-100 रॉकेट एमो है इस वाली चेस्ट में भी है। ओके, और इसमें इस वाली चेस्ट में बस ऐसे ही सब में। और यहाँ पे मैंने एक फीड बॉक्स रख दिया है, उसमें ऑब्वियसली मैंने सैलेड रखा है क्योंकि ये वर्क स्पीड इंक्रीज करता है, तो भाई वर्क स्पीड ही अभी चाहिए हमें क्योंकि यहाँ पे हैंडी वर्क की नीड है। और यहाँ पे बीच में बेलन और स्पॉन होने वाली है, तो हम देखते हैं भाई। देखो मेरे को एक डाउट है, मैंने यहाँ पे करीब 400 जितनी रॉकेट एमो बनाई है, ठीक है, इससे ज्यादा मैं नहीं बना सकता भाई, मैं थक गया हूँ लिटरली, पूरा दिन मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या काम ही किया है। ठीक है, और यहाँ पे भाई ये फाइट स्टार्ट होने वाली है थोड़ी देर में, सो प्लीज देखो भाई एक चीज मैं बता देता हूँ, लाइक कर दो भाई इस वीडियो को। पता है तुम्हें कितनी मेहनत लगी है इसको भाई, ये जो चीजें इकट्ठे करी है ना भाई, मैंने 2 दिन पूरा रिकॉर्ड किया सिर्फ चीजें इकट्ठे करने में। और भाई इतनी मेहनत करके जब भाई तुम लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते ना, गंदा लगता है भाई। ठीक है भाई, तुम में से 91% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते वीडियो को, भाई इतनी मेहनत लगी है ना तुम भाई, बात ही मत पूछो, इतनी ज्यादा मेहनत लगी है ये पूरा सेटअप मेरे को करने में। और भाई इसी के साथ मैं यहाँ पे ऑब्वियसली अपनी गोफिन स्ट्रेट भी यूज कर रहा हूँ। देखो मेरे पास 4 गोफिन है, अपने 4 को साथ में लेके घूम रहा हूँ, इसकी भी मैं मिसाइल यूज करूंगा। और ऑब्वियसली मेरे पास भाई अब मेरे पास 10 ही एमओ है रॉकेट की, ठीक है, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। ओके गाइस, तो यहाँ पे करनी है क्या स्पॉन, क्या होगा भाई मेरे को लिटरल नहीं पता क्या होगा। ठीक है, देखो मेरे को एमओ का नहीं पता भाई, मेरे पास एमओ एक्चुअली बहुत ज्यादा कम है। अब देखो यहाँ पर अगर कुछ गलती हुई ना मेरे से, तो मैं फटाफट यहाँ पे आके मैं इन सबको ड्रॉप कर दूंगा फटाफट यहाँ पे, ताकि ये लोग खत्म कर दे भाई इसको बेलेनोर को। ठीक है, सो वो मरनी तो कंफर्म है, बस मेरे को इनको रिप्लेस करने आना होगा फटाफट। भाई एक और बार भाई लाइक कर दो भाई वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज चैनल को, क्योंकि इस वीडियो में भाई इतनी मेहनत लगी है ना कसम से भाई, ये जो चीजें करने में भाई, ये पूरा सेटअप लगाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज कर देना। ठीक है, यह भी करते हैं अब भाई, बातें नहीं करते, ठीक है, स्टार्ट करते हैं सीधा। यस ओके, चलो 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 भाई, ये हंगरी क्यों है अभी अनुबिसिस, चलो। ओ भाई अनुबिसिस भाई, ताकत भाई, क्या भाई तुमने देखा, ओ भाई ऊपर से भाई मैं भी छोड़ूंगा ना मिसाइल्स, तो चलो भाई अनुबिसिस भाई, क्या हुआ भाई, क्या हो गया इनको, अच्छा ये लोग रिलोड कर रहे हैं क्या, अरे भाई एमोस तो पड़ी है भाई, रिलोड करो जल्दी जल्दी भाई, 15,000 का तो मैं भी डैमेज दे रहा हूँ इसको। ओके भाई, ओके 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 ओके, वापस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है भाई, वो वापस टर्न हो चुकी है भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई खतरनाक, भाई भाई खतर, ओ भाई लिटरली खत्म हो गई भाई, ये तो खत्म ही हो जाएगी भाई साहब। ओ भाई क्या बैटल थी भाई ये। ओके यहाँ पे बहुत सारा सामान, एक अनुबिस मेरा मर गया भाई, यहाँ पे एक अनुबिस मरा है सिर्फ, और रॉकेट की एमओ भाई इतनी यूज नहीं हुई भाई। ओ भाई ये क्या फाइट थी भाई, खतरनाक भाई, खतरनाक भाई, बहुत मजा आया कसम से भाई, बहुत ही ज्यादा मजा आया भाई।
पूरा वर्थ इट था भाई, पूरा का पूरा वर्थ इट था। मेरे को ये मिल गया भाई एंशियंट सिविलाइजेशन कोर। अब इससे हम वो बना पाएंगे ना भाई, ग्लासेस। ओके, यहाँ पे एक ह्यूज डार्क एग भी मिल चुका है, ये मिल चुका है जिसका कोई काम नहीं है ऑब्वियसली। भाई साहब, पहले तो भाई चीजें है मेरे पास, उसको बेच के आता हूँ। वहां पे भाई बीच में जब फाइट रुक गई थी ना, तब मेरे को थोड़ा सा डर लगा था कि भाई क्या हो गया, कोई ग्लिच विच हो गया। बट वहां पे भाई वो सब कुछ रिलोड कर रहे थे, मेरे को लगा भाई क्या कर रहा है सच में। बट उन लोगों ने वो रिलोड टाइम भाई बहुत ही मस्त भाई, ठीक है, बहुत मजा आया भाई साहब। मेरे को लिटरली भाई ऐसे क्या सीन था भाई, ये तो भाई मस्त एकदम। लेकिन भाई एक चीज तो पता चली, ये ना अभी उसको नहीं मार सकता मैं इसकी मदद से, लिबेरो वर्जन भाई डिफिकल्ट होगा ऐसे करके। और बाय द वे भाई, ये चीज मैंने पाल बिल्ड्स के वीडियो में देखी थी, वहीं से इंस्पायर होकर मैंने बनाया, तो प्लीज जाके उसका भी वीडियो चेकआउट कर लेना। सो शाउट आउट टू पाल बिल्ड्स। ओके भाई, यहाँ पे बनाते हैं हम एबिलिटी ग्लासेस, ठीक है। कहाँ है कहाँ है कहाँ भाई, एक तो मिल भाई मेरे को चीजें एक बार में मिलती क्यों नहीं। ओके ये रही। ओके रिफाइंड निगर्स तो वहां पे पड़े हैं भाई, उस वाले बेस पे लेके आते हैं, जल्दी 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 ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पे इसको। ओके बहुत बढ़िया, अब बन जाना चाहिए हमारा एबिलिटी ग्लासेस। यहाँ पे रिफाइंड निगर्स मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। ओके एबिलिटी ग्लासेस 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 ग्लासेस, ये रहे भाई। चलो भाई बना लो फटाफट, आ जाओ पाइल्स सारे के सारे। ओके भाई एबिलिटी ग्लासेस मिल चुके हैं मुझे। कहाँ पर है ये, कहाँ पर लगेंगे, एसेसरीज में ही लगते हैं भाई। ओके अब मेरे को इन सारी पाल्स की भाई चीजें दिख रही है, देखो मेरी चारिज़ार्ड की क्या है, मेरे को देखने दे, ठीक है भाई। चारिज़ार्ड में सिर्फ एक ही है भाई, लिटरली मेरा चारिज़ार्ड तो बेकार है भाई, इसका अटैक अभी भी 4 ही है सिर्फ भाई। अगर इसका अटैक में सिर्फ 4 पॉइंट्स है तभी इतना अटैक है, तो सोचो ये 100 पे कितना होता भाई। अब देखो भाई इसमें ऐसा होता है कि ये आउट ऑफ 100 होती है, तो मतलब मेरा सिर्फ एक पोटेंशियल है मेरा लिटरली चारिज़ार्ड का भाई साहब, ठीक है। फ्रूट कहाँ है, वो स्टाउट फ्रूट वाउट फ्रूट कुछ मिला था भाई, ये रहा भाई लाइव फ्रूट एंड स्टाउट फ्रूट, ठीक है। इसको मैं लाइव फ्रूट खिलाने वाला हूँ ऑब्वियसली। ओके अब देखते हैं। ओके 11 10 बढ़ा है भाई 10, ठीक है। और स्टाउट फ्रूट से डिफेंस बढ़ेगा आई गेस, तो भाई उसको मैं यूज नहीं करना चाहता क्योंकि इसका डिफेंस ऑलरेडी अच्छा है। यहाँ पे एक्चुअली हम एक एग भी मिला था, तो उसको भी इनक्यूबेट कर लेते हैं। ऑब्वियसली हम एक बेलेनोर मिलने वाली है उसमें से, के कहाँ पर है, ये रहा ब्रेव बेलेनोर मिली है, ठीक है। ब्रेव भाई, ब्रेव का अटैक अच्छा होता है ना, जहां तक मुझे याद है ब्रेव में अटैक थोड़ा सा ज्यादा होता है। हाँ इससे इसका 10% अटैक ज्यादा है। ओके सो ये आई गेस मेरे को काम आएगी ब्रीडिंग में। और भाई आई गेस आज के वीडियो के लिए इतना ही भाई, हमने भाई जो आज तगड़ी मचाई है ना चीज भाई, कसम से बहुत ज्यादा मजा आ गया, कसम से भाई लिटरली बेस्ट थिंग थी भाई ये, बहुत ज्यादा मजा आया। आई होप तुम लोगों को भी भाई मजा आया होगा। अगर तुम लोगों को भी भाई मजा आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भाई अगर तुम्हें भाई इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट करके लिख देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।